नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हिमाचल में नौकरियों की बहार, कर्मचारी चयन आयोग ने 1500 से ज्यादा पदों के लिए मांगे आवेदन। एलटी की जगह अब टीजीटी हिंदी, शास्त्री के बाद अब एलटी पदनाम भी बदला। महिलाओं का बस किराया आधा, गांवों में घरेलू इस्तेमाल के पानी के बिल खत्म। बिलासपुर में पानी के टैंक में डूबने से मासूम की मौत, घर के पास बनाए टैंक में खेलते खेलते गिरा, गई जान। 3 युवकों से 1 किलो 60 ग्राम चरस बरामद, बिलासपुर पुलिस ने गाड़ी की चेकिंग के दौरान पकड़ा नशा। प्रदेश में शुरू होगी बाल सुपोषण योजना, 4 विभाग मिलकर संभालेंगे बच्चों का स्वास्थ्य। एम्स में जल्द शुरू होंगी आईपीडी सेवाएं, 4 लेन रेल लाइन बिछने से मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। और अब समाचार विस्तार से। एचपीएमसी लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल एचपीएमसी का उद्देश्य। हिमाचल में एक बार फिर नौकरियों का पिटारा खुल गया है। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने एक साथ 1500 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। 31 मई से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया में बिजली विभाग में सबसे ज्यादा पद भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने विभिन्न विभागों में खाली 1508 पद भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी 31 मई से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षा, राज्य बिजली बोर्ड, हिमाचल पथ परिवहन और स्वास्थ्य विभाग समेत विभिन्न सरकारी विभागों में 50 पोस्ट कोड के तहत यह पद भरने के लिए अधिसूचना जारी की है। सबसे अधिक पद बिजली बोर्ड में भरे जाएंगे। बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के 555 पद भरेंगे। इसमें लाइनमैन के 186 पद, सब स्टेशन अटेंडेंट के 163, इलेक्ट्रिशियन के 112 पद शामिल हैं। वहीं प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ड्राइंग मास्टर के 314 पद भरेंगे। इसके अलावा विभिन्न विभागों में JOAIT के 198, प्रदेश पशुपालन विभाग में वेटरिनरी फार्मासिस्ट के 188 पद और सचिवालय प्रशासनिक सेवा में लिपिक के 82 पद भरे जाएंगे। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि अभ्यर्थी निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन करें, आवेदन की तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी। कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश सरकार ने जनता से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी प्रदान की। पदनाम बदलने को लेकर अरसे से आवाज बुलंद कर रहे भाषा अध्यापकों को भी सरकार ने राहत देते हुए एलटी को टीजीटी हिंदी पदनाम देने को मंजूरी प्रदान की है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणा के अनुसार शिक्षा विभाग में कार्यरत भाषा अध्यापकों को टीजीटी हिंदी के रूप में मनोनीत करने को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। अब इनके भर्ती नियम अलग से बनेंगे। एलटी की पोस्ट अब विभाग में नहीं रहेगी। इससे पहले शास्त्री को टीजीटी संस्कृत सरकार बनाने का फैसला ले चुकी है। इसके साथ ही कई नए दफ्तर खोलने का भी फैसला हुआ। मंडी जिला में उप तहसील डेहर के अंतर्गत पटवार वृत्त भटवारा से अलग कर नया पटवार वृत्त धवाल बनाने को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने ऊना जिला की ऊना तहसील में पटवार वृत्त बातूही और पनहू का पुनर्गठन कर नया पटवार वृत्त त्योदी बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिला की चच्योट तहसील में पटवार वृत्त सरोवा को विभाजित कर नया पटवार वृत्त तांदी बनाने को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। इनमें सबसे अहम सरकारी बसों में महिलाओं के लिए बस किराया आधा करने का फैसला है। इसके अलावा पानी और घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की राज्य के भीतर चलने वाली इंट्रा स्टेट साधारण बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50% रियायत देने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 1 मई 2022 से निशुल्क घरेलू जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय भी लिया। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने चंबा में 15 अप्रैल 2022 को हिमाचल दिवस के अवसर पर घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने 360 नई बसें, अन्य परिवहन वाहन खरीदने के लिए 160 करोड़ रुपए का सावधि ऋण लेने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में सरकारी गारंटी प्रदान करने का अनुमोदन किया।
इससे यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन देने के समय दिए जाने वाले रिफिल के अतिरिक्त 2 निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने को अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 12 सप्ताह तक दत्तक ग्रहण अवकाश प्रदान करने को स्वीकृति दी। बिलासपुर के स्वारघाट में 8 वर्षीय बच्चे की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। यह मासूम घर के पास खेल रहा था और यहां बनाए गए पानी के टैंक में डूब गया। इस हादसे से परिजनों को गहरा सदमा लगा है। जिला बिलासपुर के उपमंडल स्वारघाट के तहत ताली पंचायत के जियोर गांव में एक 8 साल के बच्चे की घर के समीप सिंचाई के लिए बनाए गए पानी के टैंक में डूबने से मौत हो गई है। 8 साल का अजितेश पुत्र लखनपाल घर के पास खेल रहा था और खेलते खेलते वह टैंक के पास चला गया और उसमें गिर गया। हालांकि पानी के टैंक में गिरने के बाद उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। वहीं उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया है। जो ताली पंचायत के गांव में 8 साल के बच्चे के पानी के टैंक में डूबने से मौत हो गई। अब से ठाकुर उम्र 8 साल पुत्र लखनपाल गांव जोर पत्तन में अचानक खेलते खेलते यहाँ घर के पास जो पानी का टैंक बनाया है उसमें पांव फिसलने से उसके बीच में डूब गया। माँ बाप ने लगभग कोई जब उसको ढूंढने लगे तो आधे घंटे बाद वहाँ देखे तो पानी में बीच में डूबा था, सिर नीचे था। TMT प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हिमाचल प्रदेश में पुलिस नशा माफिया पर शिकंजा तो कस रही है, लेकिन फिर भी ये नशा माफिया बाज नहीं आ रहे। आज बिलासपुर में पुलिस ने 3 युवकों से 1 किलो 60 ग्राम चरस बरामद की। तीनों युवकों को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर नगर के वेटरिनरी चौक पर कुल्लू के 3 युवकों से पुलिस ने 1 किलो 60 ग्राम चरस बरामद की है। गत बुधवार शाम के समय सिटी चौकी की टीम ने वेटरिनरी चौक पर नाका लगाया हुआ था। ऐसे में कुल्लू की तरफ से आ रही गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका तो गाड़ी से चरस बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर ही युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर सारी जाँच की जा रही है। गाड़ी में बैठे तीनों युवकों की पहचान नरेंद्र कुमार उम्र 22 साल भुंतर, जब्बू राम उम्र 17 साल कुल्लू व तीसरे की वीरनाथ उम्र 21 साल कुल्लू रूप में हुई है। DSP हेडक्वार्टर राजकुमार ने बताया कि पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई जारी है। प्रदेश में बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक विशेष योजना शुरू की है। प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल के दौरान इस योजना को मंजूरी प्रदान की है। देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रारंभिक शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त प्रयासों से चलाई जाएगी। इस योजना के माध्यम से विभिन्न हितधारकों का अभिसरण कर गहन हस्तक्षेपों द्वारा माताओं और बच्चों के पोषण स्तर में महत्वपूर्ण सुधार की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकार ने सप्त स्तंभ दृष्टिकोण के माध्यम से इस प्रयास को साकार करने के लिए नीति आयोग के साथ व्यापक परामर्श किया है। इसके घटकों में दस्त का शीघ्र पता लगाना और इसका उपचार, पहचान किए गए उच्च जोखिम समूहों की सघन निगरानी और देखभाल, विशेष SNP उच्च जोखिम वाले बच्चों के लिए प्रोटीन युक्त भोजन और बेहतर भोजन पद्धतियां अपनाना, बच्चों और किशोरियों में एनीमिया के लिए विभिन्न हस्तक्षेप, उच्च जोखिम वाले गर्भधारण विशेष रूप से उच्च रक्तचाप और एनीमिया, कुपोषित बच्चों का उपचार और अनुवर्ती कार्यवाही तथा सामाजिक व्यवहार परिवर्तन के लिए रणनीतियां शामिल है। इस योजना का बजट 65 करोड़ रुपए है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा गुरुवार को अपने घरेलू कार्य के चलते बिलासपुर पहुंचे। हालांकि इस दौरान उन्होंने जिला में जारी विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अब तक हुए कार्यों को रिव्यू किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। देखिए ये रिपोर्ट।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी बहन के नवनिर्मित घर के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गुरुवार को विजयपुर पहुंचे। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिला की विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों से मीटिंग भी की। बिलासपुर के कोठीपुरा में 750 बेड क्षमता का 1471 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का अधिकतर काम पूरा कर लिया गया है। आने वाले समय में आईपीडी शुरू करने की तैयारी है। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने बताया कि एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रतिदिन 21 लाख लीटर पेयजल उपलब्ध करवाने के आशय से 66 करोड़ की कोल्ड डैम उठाऊ पेयजल योजना स्वीकृत की गई है, जिसका 97% कार्य पूरा कर लिया गया है। उधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि बिलासपुर में 50 बिस्तर क्षमता वाले मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर के निर्माण पर 10 करोड़ की राशि व्यय की जा रही है और इसका 85% निर्माण पूरा कर लिया गया है और 30 जून तक अस्पताल का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं कीरतपुर नेरचौक फोर लेन नेशनल हाईवे की रिव्यू मीटिंग के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि फोर लेन का कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। फोर लेन बन जाने के बाद गरामोड़ा से मंडी की दूरी 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस मौके पर भानुपल्ली बैरी रेलवे प्रोजेक्ट पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि 6753 करोड़ की लागत से बनने वाली भानुपल्ली बैरी रेलवे लाइन का कार्य प्रगति पर है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में 48.6 किलोमीटर लाइन बिछाई जाएगी। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। चंबा भलेई मार्ग पर चमेरा के जलाशय में कूदा व्यक्ति, पुलिस टीम ने 1 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद बरामद किया शव। नहराधार में गहरी खाई में गिरी गाड़ी, 2 घायल, 1 गंभीर अवस्था में सोलन अस्पताल रेफर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के विरुद्ध आपराधिक मानहानि मामला, ऊना में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने दर्ज करवाया केस। मंडी में वोल्वो बसों की चेकिंग के दौरान पकड़ा बिना जीएसटी ई बिल के सामान, आबकारी विभाग ने लगाया 3,26,000 रुपए का जुर्माना। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।